ओके स्टूडेंट्स, योर इंग्लिश लेक्चर फॉर ग्रेड वन, योर टॉपिक सेम आर स्टोरी मेकिंग एंड रिवीजन टॉपिक्स आर जेंडर्स, क्रिएटिव राइटिंग, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन एंड डेफिनेशन ऑफ. ओके लेट्स स्टार्ट इट. योर फर्स्ट टॉपिक इज स्टोरी मेकिंग. तो स्टूडेंट्स, आपके पास पिक के ऊपर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, या आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आपको एक जू के अंदर एक पिक्चर्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट एनिमल्स की, ठीक है. तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो आपको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए जिसके पर मैंने यहाँ पर लेज़र आपको दिखाया है, ये वाली वर्ड्स को आपने यूज़ करते हुए जो है वो इस सारी फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, अपनी स्टोरी को बनाना है, ठीक है. आप सबसे पहले है वन डे ही वेंट टू द डैश विद माई फादर जू. वी वर एक्साइटेड. वी सॉ डैश बर्ड्स एंड एनिमल इन द जू डिफरेंट. वी सॉ अ लायन इन द केज. फादर टोल्ड अस हाउ स्ट्रॉन्ग लायंस आर. ही सॉ अ डैश एलिफेंट इन द जू. एलिफेंट इज बिग. वी डिड राइड द डैश कैमल. वी एड आइसक्रीम चिप्स एंड डैश इन द जू पॉपकॉर्न. वी डिड अ लॉट ऑफ डैश देयर फन. We came back home in the evening. तो स्टूडेंट्स, आपके ये सामने जितने भी पिक्चर्स हैं, जो आपको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, मैंने भी इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो फीलिंग्स एंड ब्लैंक्स को कंप्लीट करके स्टोरी में की, आपने भी इसी तरह से ही इसको कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, योर रिवीजन टॉपिक्स आर जेंडर्स, क्रिएटिव राइटिंग, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन एंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. लेट्स स्टार्ट इट. हेयर आर योर मैस्कुलिन फेमिनिन. स्टूडेंट्स, आप मैस्कुलिन फेमिनिन को ही जेंडर्स कहते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आपके पास जो रिवीजन के टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपको इसीलिए ही बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी काम अगर कंप्लीट नहीं है तो आप उस सबको काम को कंप्लीट करेंगे. और ये जितने भी आपने ये स्लाइड्स के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ये सारा रिवीजन के टॉपिक्स के अंदर ही आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के टॉपिक्स के अंदर आपको यही बताने का मकसद है कि आप लोगों ने जो जो आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो आपने उन सब काम को कंप्लीट करना. तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनेंस हैं, आपको डिफरेंट जो है वो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैस्कुलिन्स हैं और ये सारे के सारे फेमिनेंस हैं, ठीक है. ये आपको दिए जाएंगे और ये आपने लिखने होंगे ज़ुबानी, ठीक हो गया. उसके बाद आपकी है क्रिएटिव राइटिंग माई सेल्फ के अंदर आपको ये फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है और उसके बाद जितने भी आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं फ्लो चार्ट के लाइन्स के साथ, आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपना एसे को राइट करना है, ठीक है. आई एम अ बॉय और गर्ल. अब यहाँ पर जो भी लड़कियाँ होंगी वो गर्ल करेंगी और जो लड़के होंगे वो यहाँ पर बॉय करेंगे. अब माई नेम इज़ डैश, जो आपका नेम है वो लिखेंगे. आई स्टडी इन क्लास वन. आई एम 6 ईयर्स और आई लाइक रेड कलर, ठीक है. आपने ये सारे के सारे वर्ड्स को यूज़ करते हुए इसको राइट कर. नेक्स्ट है आपका पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन एंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये आपको एक फार्म हाउस की पिक्चर नज़र आ रही है. आपने इस पिक्चर को देखते हुए जो है वो सारी सारी फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होगा. ओके, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ डैश मार्केट स्कूल एंड फार्म. तो आपको ये पिक्चर किसकी नज़र आ रही है, फार्म की. तो आप यहाँ पे फार्म पर टिक करेंगे और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक हो गया. और इसी तरह से डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग. तो स्टूडेंट्स, जो है सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसे आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाए, ठीक है. मतलब लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों, जैसे दा है और लाइन है, ठीक है. दा लाइन रोड्स. अब यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, दा है, लाइन एंड रोड्स है. तो तीन वर्ड्स को जब आपने मिलाया है तो आपके पास एक पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया है जिससे आपको पूरी की पूरी बात समझ आ रही है. तो वो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस की डेफिनेशन ही यही है कि आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हों जिससे आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाए, ठीक हो गया. अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है एरो के साथ, ये आपने लाइन हमेशा याद रखनी है कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और एंड हमेशा फुल स्टॉप के साथ होता है, ठीक है. तो इसी तरह से आपने ये जो आपके नीचे 6 नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपने इनको भी इसी तरह से कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप के जहाँ पर भी जरूरी है आपने उनको सेंटेंसेस के अंदर कम्प्लीट करना होगा. स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज लर्नर राइट द स्टोरी मेकिंग. तो स्टूडेंट्स, आपने लर्न और राइट करना है, स्टोरी मेकिंग आपने कंप्लीट करनी है. उसके बाद ये जो आपके रिवीजन के टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को पहले करवा दिए गए हैं, तो ये आप लोगों ने इसकी रिवीजन करनी है. और अगर आप लोगों को काम कंप्लीट नहीं है तो आपने इस काम को कंप्लीट करना. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.